हिंदी वर्णमाला कराऊंगी। मैंने आपको कहाँ तक कराया था आपको पता है? यस हाँ, मैंने कराया था आपको बड़ी से ईक तक, है ना। आज मैं आपको ऊ से उल्लू से शुरू कर रही हूँ, ठीक है बच्चों? तो आप शुरू करें। ऊ से क्या होता है, ये कौन सा अक्षर है? ऊ। ऊ से उल्लू, क्या होता है उसे? उल्लू, है ना। उल्लू क्या करता है? रात को जागता है और दिन में सोता है ना। अब देखो ऊ से और क्या होता है बताओ, ये क्या है बताओ बताओ? ये है ऊ से उपवन, ऊ से उपवन, है ना। अब देखो ये हमारा है बड़े ऊ से, क्या होता है बड़े ऊ से? ये पिक्चर किस चीज की है, ये वाला चित्र किस चीज का बना रखा है? ये है हमारा बड़े ऊ से ऊन, है ना। अब बताओ और क्या होता है? ऊंट, है ना, बड़े ऊ से ऊंट। वेरी गुड, आपको तो पता है। अब बताओ ये क्या है? ए। ये क्या है? ए। ए से क्या होता है? एड़ी। एड़ी कैसे करते हैं? एड़ी कहाँ होती है? पैर के नीचे। एड़ी कहाँ होती है? पैर के नीचे। ऐसे एड़ी। अब बताओ ऐसे और क्या होता है बताओ बच्चों? ऐसे होता है एक। ऐसे क्या होता है? ऐसे एक, है ना। वेरी गुड, आपको सब पता है। अब देखो ये है आर। आई से क्या होता है? ये हमारा कौन सा अक्षर है? आर। आई से आना। आना क्या करता है? सुंदरता को और बढ़ाता है। आई से आना। और क्या शब्द बनता है हमारा, सोचो क्या शब्द बनता है? आई से ऐश्वर्या, है ना, पैसे। आई से ऐश्वर्या, पैसे, है ना। और बताओ ये कौन सा अक्षर है? ओ। ओ, ओ से क्या करते हैं आपको पता है? हाँ, आप स्कूल में भी करते हैं, आपको पता है क्या करते हैं? ओ, है ना। ओ, ओ से ओम, है ना। और क्या होता है ओ से? ओ से ओखली, ओ से ओखली। अब बताओ बच्चों ये वाला अक्षर कौन सा है? आओ। आओ से औरत। औरत कैसी होती है? माँ की जैसी, है ना। आओ से औरत। और क्या होता है आओ से बताओ? ये किस चीज का चित्र है बताओ 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 बताओ, पहचान करो। ये है आओ से औजार। वेरी गुड, आपको तो पता है। आओ से औजार। औजार से क्या करते हैं बताओ? हथौड़ी से होती है, जैसे हथौड़ी से कील ठोकते हैं, है ना। और आरी होती है, आरी से कटिंग करते हैं, है ना। और से बहुत सारे औजार होते हैं बच्चों, बहुत सारे, ठीक है। अब देखो हमने ये अपनी वर्णमाला सीखी है आओ तक, ठीक है ना। हमने इसके आगे फिर और सिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है बच्चों। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? देखो हमारे एक एक अक्षर से कितने सारे शब्द बन जाते हैं, है ना। देखो अब मैं इससे आगे आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।